सर्व कर्मचारी संघ व अन्य कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन एवं प्रथला के विधायक नैनपाल रावत को अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि इस मामले में सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने और ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे मार्च के महीने में सभी मंत्री और विधायकों के कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। जो वेयर हाउस में हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उस कोष में पैसा नहीं जा रहा, जिसके वजह से उनको पेंशन में दिक्कत आ रही है। तो वेयर हाउस के तो चेयरमैन रावत साहब ही हैं, तो इनके सामने हमने इस बात को रखा है और उन्होंने कहा कि भाई हम इसका समाधान करेंगे। ठेका प्रथा है भ्रष्टाचार की जननी, शोषण की पोषक। जो भ्रष्टाचार का सरकार बार बार दावा करती है खत्म कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ावे वाले नीति हैं। अगर ठेका प्रथा नहीं बंद होगी तो सरकार का दावा झूठा है कि भ्रष्टाचार रोकेंगे हम। इसका मतलब ये आगे संस्थागत रूप धारण भ्रष्टाचार ने कर लिया है। दूसरा, पुरानी पेंशन बहाली का सवाल है। विधायक साहब अब चुन करके आए हैं तो ताजीवन पेंशन मिलेगी, लेकिन अगर कर्मचारी 30 साल नौकरी करने के बाद भी उसको पेंशन नहीं मिलेगी। NPS एक नई बीमारी शुरू की है जिसकी वजह से पेंशन कोई 500-700 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो उसकी बहाली की हम बात करी हैं। ये नहीं हुआ तो हम दो टूक कहना चाहते हैं कि मार्च महीने में तमाम मंत्रियों के आवासों पर प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। वहीं विधायक नैनपाल रावत ने कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी सभी मांगों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी नेताओं ने उन्हें बताया है कि ठेके में कई बार कर्मचारियों के साथ घपला होता है और उन्हें वेतन भी सही समय पर नहीं मिल पाता है, तो वहीं सरकारी नौकरियों पर ठेके में काम करने वालों के साथ कई बार घपले भी हुए हैं। कर्मचारी संगठन आज हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से एक ही बात कर रहे हैं कि भाई जो ठेका प्रथा है, हमारे जो सरकारी महकमों में जो ठेकेदारी पे जो बच्चे लगाए जाते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं कोई घपला होने की संभावना रहती है और उन जो कर्मचारी वहाँ लगे हुए हैं ठेकेदार के नीचे, उनको पूरा पैसा नहीं मिल पाता है, वो कहीं ना कहीं ठेकेदार की जेब में चला जाता है और अन्य भी धांधली जो ना उसमें होती हैं। तो निश्चित तौर पर इनका सुझाव मेरे हिसाब से ठीक है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ बात बैठ के, क्योंकि उसमें कुछ खामियां मिलती हैं, जैसे मेरे वेयरहाउस में भी मिली थी, तो वो खामियां दूर हों और जो पैसा है वो सीधा जैसे हमारे पारदर्शिता से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का शासन सुशासन चल रहा है तो सीधा उसके अकाउंट में जाएगी। तो जो ठेकेदार के पास जो हमारी कर्मचारी की रकम है या जो सरकार की तरफ से आती है उसमें किसी प्रकार की हेराफेरी ना हो, तो उसके लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है और इसके लिए जरूर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करी जाएगी। कर्मचारी संगठन मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दे चुका है। अब देखना ये होगा कि विधायक कब तक इन मांगों को पूरा कर पाते हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।